यार जब ट्रांसमिशन लाइन पे इतनी ज्यादा बातें कर ही ली हैं तो आज ये भी पता कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन कहाँ पे प्लेस है, कितनी हाइट है उसकी, कितना वेट है, कितनी कॉस्ट है, कहाँ पे है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। हम जिस टावर की बात करने वाले हैं वो टावर चाइना में है और उसका नाम है माउंट डामोशन। सो बात करेंगे इस टावर के वेट की, तो इस टावर का टोटल वेट है 6000 टन। तो ये ट्रांसमिटर टावर डेली 6 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है, यानी कि 60 करोड़ वोल्ट को डेली ट्रांसमिट करता है। सो यार अगर बात की जाए इस टावर की हाइट की, तो इस टावर की हाइट जो है 380 मीटर है, यानी कि एफिल टावर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जहाँ पे एफिल टावर की हाइट 324 मीटर है, वहीं अगर बात करें बुर्ज खलीफा की तो वो है 824 मीटर। लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं टावर को टावर से, इसलिए हमने एफिल टावर से कंपेयर किया है जिसकी हाइट इसके कंपैरिजन में काफी कम है। और इस टावर को बनाने में जो कॉस्ट आती है, मतलब सिर्फ टावर टावर को, मैं वायर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टावर की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। सो टावर को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो 67 यूएस डॉलर यानी कि 46 करोड़ रुपए आती है इंडियन रुपीज में पर टावर। सो अब बात करते हैं इस टावर की जरूरत पड़ी क्यों। सो इस टावर की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो चाइना में हुलगी नदी है तो उस नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए काफी चौड़ाई है उस नदी की। सो वहां पे हाई ट्रांसमिशन टावर की जरूरत तो चाहिए, बट उसके लिए हाइट उसकी काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो पानी को टच ना कर सके, क्योंकि बाढ़ के टाइम पे या बारिश के टाइम पे वहां पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है इसलिए। दूसरी चीज, ये काफी इलेक्ट्रिसिटी की खपत को पूरा करेगी। तीसरी चीज, ये लॉसेस को कम करेगी। सो ये था कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ट्रांसमिशन लाइन के अबाउट। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताइए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।